गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है, ये आप लोगों को पता है सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, टर्म वन टर्म टू दो में आपका सिलेबस आ चुका है। ठीक है, टर्म वन का सिलेबस बेटा मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, प्लीज इसको नोट कर लेना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी स्कीम क्या है, मार्क्स स्कीम क्या है। ठीक है, टेक आउट योर नोटबुक्स, टेक आउट योर नोटबुक्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी मार्क्स की क्या स्कीम है, किसमें से क्या आना है। ओके, सबसे पहले है लिख लो यहाँ पर पाठ्यक्रम टर्म वन। टर्म वन ओके, सबसे पहले बेटा अपठित तथ्यांश शॉर्ट में रखते हैं तुम कॉपी। अपठित तथ्यांश है बेटा, आपको चार आने हैं, चार अपठित तथ्यांशों में से कोई दो करने होंगे, आने चार में करने दो में। ठीक है, ऑप्शन है, चार में से कोई दो तथ्यांश करने हैं। ओके, 10 मार्क्स के होंगे, पांच पांच नंबर। ठीक है, 10 मार्क्स पांच पांच नंबर का होगा, चार में से दो करने हैं, पांच पांच नंबर का होगा 10 मार्क्स का, और एमसीक्यूज में हो, एमसीक्यूज राइट, एमसीक्यूज यहां लिखा है अपठित तृतीयांश, चार अपठित तृतीयांशों में से कोई दो तृतीयांश करने होंगे, दो तृतीयांश एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल अंक हैं 10, चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पात्मक मतलब एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्लियर, सबसे पहले ये है, उसके बाद व्याकरण, यहां लिखा है व्याकरण पाठ्य पुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के आधार पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न, 1-1 मार्क के 16 क्वेश्चन, 1-1 मार्क के 16 क्वेश्चन, 16 मार्क। ठीक है, अब व्याकरण के विषय कौन कौन से हैं हमारे, शब्द और पद, अनुस्वार, उपसर्ग, श्रुति संविनात्मक शब्द, ठीक है, उसके बाद है पर्यायवाची, लोग, पर्यायवाची, विलोम और अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य राइट, उसके बाद है बेटा
आपके जो बुक्स हैं, आपकी बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स में से क्या है, पाठ्य पुस्तक स्पर्श, इस बार टर्म वन में आपको सिर्फ स्पर्श में, संचयन के पाठ नहीं है, स्पर्श, पाठ्य पुस्तक स्पर्श में से आपको दो पठित गद्यांश, दो पठित गद्यांश में, ये भी एमसीक्यूज में होंगे, 10 मार्क्स एमसीक्यूज में, 10 मार्क्स, ओके। उसके बाद है पठित गद्यांश, पठित गद्यांश 4 questions एमसीक्यूज, ठीक है, 14 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये हो गए टोटल 14, राइट, क्लियर। क्लियर बेटा, टोटल बन गए 50 मार्क्स, 14, 10 एंड 16, टोटल 50 मार्क्स, और जो चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं वो हैं भूख का अधिकार, भूख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और रही, क्लियर, रूप का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, रैदास और रही, इस टर्म में बेटा राइटिंग स्किल्स नहीं है, ओके, ग्रामर है और संचयन बुक नहीं है, स्पर्श है, राइट, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, और सारा एमसीक्यूज में है मैम, हमारा सारा हिंदी का एग्जाम भी एमसीक्यू में ही होगा ना? हाँ जी बेटा, बाकी सब्जेक्ट्स भी एमसीक्यूज में है, ये भी एमसीक्यू में ही है, क्लियर। एक बार आप लोगों को मैं सिलेबस भेज भी दूंगी, ओके, यस लीजा, मैम जी अपने साइड पे चैप्टर्स नहीं किया मैम, वो कट हुए हैं, कौन से बेटा? मैम जो साइड पे जो दुख का अधिकार है, दास और नहीं ये इंक्लूडेड है, ये आने हैं, ये कटे हुए नहीं है, मैंने वो सिलेबस सारा लिखा है जो आना है, ओके, क्लियर। लास्ट वीक हमने एवरेस्ट किया था, इसका टेस्ट भी हुआ है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, राइट, और अब हम आज रिवाइज करने जा रहे हैं दुख का अधिकार। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक और डाउट था, जैसे जॉन से चैप्टर्स आपने हमें करवा दिए हैं,
और वो नहीं आने, सीबीएसई ने वो नहीं कहा करने को, तो हम वो ना करें अभी एग्जाम्स के लिए। हमने अभी टर्म टू भी तो देनी है ना, अभी टर्म टू भी है ना। जैसे हम तुम कब जाओगे, लिसन, जैसे हम तुम कब जाओगे जितनी पार्ट पढ़ चुके हुए हैं, टर्म वन में नहीं है, है ना, लेकिन टर्म टू में है। क्लियर? तो वो मैम जब टर्म टू आएगी तब हम लर्न कर लेना, अभी ना ना करें फिर। अभी ये सिलेबस है, सिलेबस के लिए परेशान मत होइएगा, आपको भेज दिया जाएगा। ओके चलिए, आज हम बेटा सुख का अधिकार करने जा रहे हैं। कोई मुझे बताएगा दुख का अधिकार में हमने क्या पढ़ा था? बताएगा कोई? टीका किसका लिखा हुआ है? दुख का अधिकार में लिखा कौन है? यशपाल। यशपाल। यस यशपाल। यशपाल किसके बारे में? पाठ किसके बारे में है? एक बूढ़ी औरत। एक बूढ़ी औरत के बारे में, यस। क्या बताया है उसमें? अमीर और गरीब में कितना अंतर है? ओके, अमीर और गरीब में अंतर। लेखक ने किस ऊंच नीच के भेदभाव, लेखक ने किस आधार पर अंतर बताया? पोशाक के आधार पर। पोशाक क्या? पोशाक किस तरह से बताया है? पाठ में जिसकी मृत्यु होती है वो बूढ़ी औरत का क्या लगता था? बेटा। बेटा, बेटा, ठीक है। बूढ़ी औरत का बेटा क्या काम करता था? खरबूजे बेचता था। वह खेती करता था। खेती करता था। देखो अब ये एमसीक्यू उसमें अगर आएगा, अगर मुझे बेचता था, खेती करता था, मजदूरी करता था, मान लो एमसीक्यू उसमें आ जाता है, तो फिर मुझे बेचता था गलत हो जाएगा, क्योंकि वो खेती करता था। पर मुझे बेचने कौन आया था? बूढ़ी औरत आई, उसकी मम्मा बोला, बूढ़ी औरत बेचती थी, ठीक है। उसके बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी? शाम काटने से। इस तरह से मैं जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बनकर आएंगे, क्लियर, ठीक है। बुक्स निकाल लो, चैप्टर एक बार रीड करते हैं और उसे रिवाइज करते हैं। चलिए, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देते। पहले क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, मनुष्य के पोशाक से किसमें बांट देती है ना, श्रेणियों में, विभिन्न श्रेणियों में। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक की पद्धति और अड़चन बन जाती है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजे किस में रखे गए? डलिया में,
कुर्सी पर है ना, इस तरह क्वेश्चन बेस पर कुछ भी बन सकता है, कोई भी एमसीक्यू हो सकता है। तो ये चीजें बताओ, कुछ डलिया में रखे गए थे और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे हुए। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आ गए, क्या कारण था, लोग क्यों नहीं खरीद रहे थे, क्या कारण था खरबूजे ना खरीदने का? उसकी पोशाक के कारण, क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी और वह अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उसी दिन ही खरबूजे बेचने आ गई। हाँ, उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, लोगों का मानना था कि सूतक लगा हुआ है और उसे खरबूजे नहीं खरीदे जा सकते। आगे पढ़ते हैं, रवि परेशान मत होइए, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी दुख हुआ, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन पड़ी होगी। व्यवधान मतलब रुकावट, वह उसका कारण पूछना चाहता था लेकिन उसने जो पोशाक पहनी थी वह रुकावट बनी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ घूमते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं पीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक व्यक्ति ने दिया सिलाई की तीली से कान को जाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम दुखाई धर्म मान सब रोटी का टुकड़ा है। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, उसके बेटे की मृत्यु हो गई लेकिन वो आज खरबूजे बेचने के लिए आ गए। लोगों का कहना यह था उसे घर में बैठा रोना चाहिए, उसे मातम मनाना चाहिए लेकिन इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। लोग ये नहीं समझते कि कोई गरीब औरत घर में गुजारा कहाँ से होगा, कहाँ से खाएंगी, अब उसके उसकी बहू को खाना चाहिए था, उसके पोते पोती को खाना चाहिए था, है ना। लोग इस बात को नहीं समझते, राइट, और उनका ये कहना था कि ये सिर्फ रोटी के टुकड़े के लिए ही यहाँ पर आ गई है। क्लियर, एनी डाउट एनीबडी, एनी डाउट, नो, ओके। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, एक होती है थोक की दुकान और एक होती है परचून, थोक की दुकान होती है जहाँ बल्क में हम सामान ले लेते हैं और परचून की होती है जैसे हम दुकानों पर आमतौर पर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान ले जाते हैं जो भी चाहिए। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे वो उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। रमी कब हम यहाँ बढ़ने वाले हैं, इसके लिए आपको समझ नहीं आया। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इससे खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर।
क्लियर, समझ में आया है ना? लोग उससे हर ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं खरीदना चाह रहे थे क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हुई जब 24 घंटे नहीं हुए और वो यहाँ आकर पूछे बेचने लगे, तो लोगों का धर्म ईमान नष्ट हो जाता। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 साल का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन हुए कछियारी करके, कछियारी मतलब खेती, कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह मतलब गुजारा, उन्हें खाना खिलाता था, गुजारा खेती करने से होता था। रमनीक ठीक है, ये भी एक आंसर गलत हुआ था, राइट। चलिए, खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर लड़का कभी स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह फूल घेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया, सांप ने लड़के को दंश दिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला ले, झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए काम पक्ष पहुंचा। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में फट गया, थोड़ा आटा था, अनाज था, और कुछ तो देने के लिए था नहीं, तो वही भी माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर, देखो भगवाना को इन्वर्टेड कॉमास में किया है ना, इन्वर्टेड कॉमास में किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसका नाम भगवाना था। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ फिर ना बोला, एक बार चुप हो गया फिर वो बोलेगा। सर्प के विष से उसका सब बदन काला कर गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा दिया, समझने वाली बात। जिंदा आदमी को नंगा रह भी सकता है लेकिन जो मुर्दा है किसी मृत्यु हो गया उसको नंगे भेजे नहीं जा सकते, उसके लिए तो कफन चाहिए ना, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना नहीं होगा। बजाज मतलब जो कपड़े बेचते उन्हें कहते हैं बजाज। चाहे उसके लिए माँ के हाथों की चंदनी कपड़ा ही होगा, माँ ने अगर कोई छोटे से कंगन पहन रखे हैं या फिर कांधे पे पहन रखे हैं तो चाहे वो ही क्यों ना बेचना, लेकिन मुर्दे के लिए कफन तो आएगा। भगवाना पर लोग चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चल, थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था तो विदा कर। बाप ने भी रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिल बिला भगवाना तो कर, लेकिन वो उसके बच्चे थे तो उनको तो भूख लगी थी, तो जिंदा रहना जिंदा पेट तो मांगेगा ना खाने, उनको तो भूख लगी थी भूख से बिल बिलाने लगे, घर में कुछ खा नहीं। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे, लेकिन बहू को क्या, बच्चों को तो खाने के लिए खरबूजे दे लेकिन बच्चों को, बहू को क्या, बहू का बदन बुखार से पड़े की तरह था, बहू बीमार थी उसे बुखार था, उसको तो खरबूजे खाने के लिए नहीं जा सकते, क्या करते। अब बेटे के बिना बुढ़िया को बोलनी चवन्नी कौन बुखार, जिसके सिर पर उसे लोग भी नहीं पूछते, उसका बेटा नहीं था तो उसे उधार देने को बुढ़िया को कोई नहीं। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पहुंचते पहुंचते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डिब्बा में समेट कर बाजार की ओर चली और छाना। बेटे ने मरने से पहले जो खरबूजे तोड़े थे वो घर में पड़े, उन्हीं को एक डलिया में डाला और ले गई बेच दी।
बुढ़िया ने बोझे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों में दिखाए हुए कपक कपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली गई। आए रे पत्थर, सौदा बेचने के लिए चली गई, उसकी मजबूरी थी, घर में कुछ भी नहीं था, उसको खाने के लिए क्या थी, बहू बीमार थी, बेटा चला जाता तो बहू को भी जाने देते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस पुत्र भी योगिनी, पुत्र भी योगिनी मतलब बेटे के पिछोड़े में जो यह दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के पास सोच रही। देखो कहते हैं मैं सोचना चाहता था कि माता दुख कैसा हो, इसलिए मैं अपने पड़ोस में एक जब उसके पड़ोस में एक लड़के की मृत्यु हो गई उसकी माँ के बारे में सोच रही। वह संभ्रांत महिला, संभ्रांत महिला मतलब अमीर महिला जिसके पास धन दौलत है और जिसके पास हर तरह की सुख सुविधा है, तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उस संभ्रांत महिला, वह संभ्रांत महिला पुत्र के मृत्यु के बाद अढ़ाई महीने पलंग से ना एक वो माँ है जिसका बेटा 24 घंटे पहले मरा और वो सुबह पर उठने बेच देती है, और एक ये माँ थी जिसके बेटे की मृत्यु होने पर ढाई महीनों तक बिस्तर से नहीं उठता, उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र की ओर से मूर्छा आ जाती, मूर्छा मतलब बेहोश, हर 15-15 मिनट बाद बेहोश होकर और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते और कभी होश नहीं होते थे तो हमेशा रोती रहती। दो दो डॉक्टर हरदम सिर हाने बैठे रहते, हरदम सिर पर बर्फ रख दी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो, शहर भर के लोग बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए, और यहाँ शहर के लोग उस बूढ़ी माँ को कोस रहे थे जो अपनी बहू अपने बच्चों के लिए कुछ कमाने वाली थी। मन जब मन को सोच का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं, उसी हालत में ना होकर राह चलतों से पकड़े जाता मैं चला जा रहा और सोच रहा शोक करने गम बनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का एक अधिकार होता है, दुख का अधिकार। जो व्यक्ति अमीर है जो संभ्रांत है उसे दुखी होने का भी अधिकार है, और जो गरीब है जो अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है उसे दुखी होने का भी अधिकार है। थैंक यू सो मच।